खुल जावे, ये पता खुल जावे, ये पता खुल जावे। ये पता खुल जावे। बाप अते बेटे अते रुपाक ते नाम ते आमीन। सलामे मरियम फजल नाल परे हुई खुदावन तेरे नाल है, तू और ता विश्व तन है, नाले तन है तेरी कु खुदा फल यीशु। ए हजरत मरियम खुदा ही मां, असा गुनागर ले दुआ कर हुन ते साडी मौत दे वेले आमीन। सलामे मरियम फजल नाल परे हुई खुदावन तेरे नाल है, तू और ता विश्व तन है, नाली तन है तेरी कु खुदा फल यीशु। हे हजरत मरियम खुदा की मां, असा गुनागर ले दुआ कर हुन ते साडी मौत दे वेले आमीन। सलामे मरियम फजल नाल परी हुई खुदावन तेरे नाल है, तू और ता विचो तन है, नाली तन है तेरी कु खुदा फल यीशु। हे हजरत मरियम खुदा की मां, असा गुनागर ले दुआ कर स्वागत प्यारे दर्शको, आज दे प्रेस एंड वर्शिप दे राही असी इरादती रूहां लई प्रार्थना करना जा रहे हैं। जिवें कि असी सब जानते हैं कि पाक मां कलीसिया वालों नवंबर महीना इरादती रूहां जानी द सोल्स इन पर्गेटरी समर्पित किया है। इराब जा बजक वो जगह है जिते ਬਰੋ ਛੋਟੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਚਾ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੋਤੀ ਉਹਦਾ 21 ਬਾਪ ਦੀ 27 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਗਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਚਿਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਟੇਗਰੀਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CCC 1:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਦੀਵ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਦੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ। अब इस भजन के नाल इराबती रूहान याद करिए, अपने जीवन अंतर भी छाती मारिए कि मैं अपना जीवन प्रभु के लिए तैयार कर रहा हाँ नहीं। आओ सिगाइए इस भजन के राही इराबती रूहान असी इस वक्त
याद करिए। प्रभु सर कहते हैं ऑस्टिन जा उस खड़ी बारे कोई नहीं जानता ना ही स्वर्ग दे फरिश्ते अदे ना ही बेटे पर सिर्फ बाप ही जानता है पल दा बसाने कल ले सोचे ते प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुसी नहीं जानते कि वो समा कदों आवेगा नाम लिया जिस सो तर जावे नाम लिया जिस सो तर जावे दंदोलत तेरे नाल ना जाने दंदोलत तेरे नाल ना जाने सारा जीवन इस धरती ते केवल एक ही वार है जो जीवन सन मिलिया है इस रम पवित्रता विच गुजारना जरूरी है एक दिन यीशु जी दे
सिमर ले ओ मन मेरे, तू आ यीशु के नेड़े, तू आ यीशु के नेड़े। संसार विच रहंदिया ये संसार सन बहुत सोहना लगता है, अदे इंसान इसके पीछे पछता है, पर याद रखने वाली गल है कि सारे किते हर छोटे मोटे माड़े चंगे बिदिया फलिया आदि का लेखा प्रभु ने एक दिन लेना है। आओ इस गल ने ना भूलिए कि प्रभु साड़ा लेखा ले ले नेड़े ही है। परम करे क्यों ओ मन काफरा, परम करे क्यों ओ मन काफरा, हर पल यीशु नाल है तेरे, हर पल यीशु नाल है तेरे, नाम सिमर ले जलाल सिंहासन ते बैठेगा अदे सब कौमा उसके सामने इकट्ठे किए जाएगा। इन्होंने वचना तो ये स्पष्ट है कि सारे इस जीवन के बाद एक और जीवन होवेगा। दुनिया च कल्लिया तू नाम सिमर ले, दुनिया च कल्लिया तू नाम सिमर ले, मन क्यों लाया मेरे फेरे बच्चे इसलिए आओ रूहां दे लई असीं प्रार्थना करिए जो इस संसार विच गुजर गया है ते इराफ दे विच दुख भोग रही है, उन्हां दा जीवन कैद विच कष्ट चल रहे कोई वांक है जो कैद तो चुरन लई आप कुछ नहीं कर सकता है पर दूजियां दा सहारा मिलण दी आसा रखता है। रावती रूहां दे चुड़कारे लई आओ असीं आपणे प्रार्थनावां दे वसीले उन्हां दा साथ दे दिए ताकि वह स्वर्ग विच पहुंच के साडे लई प्रभु अगे फरियाद करन। दूसरी मिखाबाए उहदा 12 बाब ते उहदा 45 आयत विच दा वचन फरमांदा है, जेकर उसने एक काम धार्मिकता विच मारे गए लोगों के लिए सुरक्षे रखे गए शांतान इंसान की आस रखते हुए कीता सी, ता एक
पवित्र आते नेक विचार सी। इसे तरह उसने पाप बलिदान का प्रबंध किया ताजो वो अपने पापां तो मुक्त हो जान। आओ फिर बिची साढ़े परिवार में प्रभु ने प्यार हो गए सपना ले वरे विच कटो कट एक पाक मास्ती कुर्बानी चढ़ाई ते ओ रो रोहां ले प्रार्थना करिए। मेरे प्यारे बच्चों इस नवंबर महीने में कलीसिया ने सिखाती है कि असी जो मरे हुए यानी दफनाया गया कब्रिस्तान है सिमिट्री है उस जगह में जाके असी प्रार्थना करने वास्ते प्रभु यीशु सानू दसता है कलीसिया ने सिखाती है। इस करके थोड़े बुजुर्ग माँ बाप भैन रिश्तेदार कोई भी मर गया है मेरे पेरे बिच उन्होंने लिए असि कब्रिस्तान में जाके इस नवंबर महीने में प्रार्थना करिए अते उन्होंने सारे रूहान दे लिए घटो घट हर रोज हो सकते तो पांच ऐसे बाप पांच सलामे मरियम अंदे पांच बाप अपने बेटे अते पाक के नाम की प्रार्थना करके असि आके इराबती रूहान ए प्रभु रहीम अते दया करिए। वे मेरे पेरे बिच आज इस एफाता प्रेस समर्शिप के राही प्रभु खुदा तुहानु प्रेरणा देवे आमेन। अवश्य प्रकाश तपोती तीन बाप ती उदा वी आयत कहिंदा है देखो मैं तुहाडे दिल दा दरवाजा कड़क कड़क कर रही हाँ जेकर कोई अपने दिल दा बोहा खोलेगे तो प्रभु यीशु कहिंदा है मैं थोड़े को आवांगा थोड़े नाल बैठांगा थोड़े नाल बैठ के प्रभु खुदा असि भोजन करेगा प्रभु कहिंदा है। आओ मेरे प्यारे बच्चो इस गीत राही असि प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे दिल में आ जाओ ताकि मैं थोड़े नाल बैठ के गल बात कर सका। प्रार्थना करिए प्रभु मेरे दिल दे बगीचे विच आ जाओ मैंने अभिषेक प्रदान करो
साढ़े सब तो यही मांग करता है कि ऐसे जीवन पर प्रभु दे ताबियादार बन के रहिए अते आज हमेशा उसकी आवाज न पछाड़िए। सामरे अवरत का जिक्र है जो एक बार यीशु ने मिले प्रभु ने पहचानिया कि यही मसीह है। पाप रूपे खड़ा सुट के जीवन बदल के प्रभु ने प्रार्थना अपना के उसकी प्रचारक बन गई है। इस प्रेसा मशीन ते राही असे खास करके दुआ करिए प्रार्थना करिए इराप्ते रुहान दिले हे याद रखिए। जो
जो भी रूह इस वक्त इराबते विच है उन्हां दे वास्ते तुसी बलि चढ़ाएंगे पाक मास दा बलि चढ़ाएंगे उन्हां दे वास्ते प्रार्थना करेंगे अते ओ रूह तुहाडे प्रार्थने राही स्वर्ग विच चले जाणगे ओ रूह तुहाडे मौत तक तुहाडे वास्ते प्रार्थना करते रहेंगे इस करके मेरे प्यारे बच्चियो याद रखिए कि इराबती अरवान दे लई पाक मास दा बलि चढ़ाना है अते उन्हां दे वास्ते दुआ करिए कि खुदावंद यीशु उन्हां ते रहमत दया करेगा और इस आराधना विच जिन्हें भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना भवन रिटिसेंट दे विच जो संचालित करते इस प्रेस वर्शिप दे विच भाग ले रही गाए तुहाडे सारे वास्ते मेरे पेरे विच असी प्रार्थना करेंगे हालेलुया 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 मेरे प्यारे बच्चियों आज दे प्रेस वर्शिप दे राही असि सुनिया है कि असी इराबतियां रूहां दे लई खास अरदास अते प्रार्थना करनी है संदेहना दे अंचील उदा गैरा बाबती पच्चे आयत विच यीशु कहिंदा है जी उड़ना अते जीवन में हां जो मेरे ते ईमान रखता है बेशक ओ मर जावे फिर भी जीवेगा मेरे पेर विच यीशु मसीह कहिंदा मैं जीवन दी रोटी हाँ योहन्ना दी अंजी छे बाब दे विच कहिंदा है मैं स्वर्ग तो उतरी जीवन दी रोटी हाँ और सानू जीवन देने वाला यीशु मसीह इस वक्त इस अलतार उत्ते है और खुदा मां मगलीसी दे राही सानू सिखाउंदी है कि असी इराबती रूहां दे लई प्रार्थना करिए जदों असी प्रार्थना करते हैं उस वक्त उन्हां दा गुणां ते खुदा रहीम करेगा दया करेगा माफ करेगा और साडे प्रार्थना दे राही यीशु उन्हां रूहां नूं सुरग विच लेके जाएगा इस करके दोनों हाथ उपर करके रहीम दे लई असि दुआ करिए प्रभु दा धन्यवाद करिए प्रभु यीशु इस वक्त जिन्हें भी लोग इराबते विच है उन्हां सारे ने तसली दे उन्हां सारे दे गुनाह नूं माफ करे उन्हां सारे नूं तेरे वल आकर्षित कर ए प्रभु यीशु उन्हां नूं माफ कर उन्हां रूहां ते रहीम कर ताकि तेरे चरणां विच बैठ के जो प्रकाश तपोती विच कहिंदा है पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु खुदा जो है जो सी जो आन वाला है यीशु दे आगे बैठ के अरदास कर सकन हालेलुया 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 सारे मिल के आगे हालेलुया हालेलुया रहीं कर रहीं कर रहीं कर रहीं कर सर्वशक्तिमान खुदा रहीं कर रहीं कर हालेलुया 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 यीशु दया करो पाप क्षमा करो यीशु दया करो इराबतियां रूहां ते दया करो हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया